उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हर पिछली सरकारों ने कभी भी बंदियों की सुध नहीं ली, लेकिन आज योगी सरकार में मंत्री सीधे बंदियों से संवाद कर रहे हैं, जिससे उनकी समस्याएं सीधी सरकार की नजर में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जेलों पर गायत्री मंत्र के जाप की प्रक्रिया को शुरू कराया गया है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। गायत्री मंत्र के जाप से बंदियों के मन में अपराध की प्रवृत्ति कम होगी। जो भी व्यक्ति जिस धर्म का है वह अपने अपने धर्म के अनुसार ही धार्मिक अनुष्ठान करे, जिससे जेल के भीतर रहकर भी उसकी आत्मा और मन दोनों को परमानंद मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है तो ईश्वर उसी समय उसका भविष्य लिख देता है। उसी भाग्य के लिखे हिसाब से ही लोग सलाखों के पीछे भी आ जाते हैं, फिर चाहे वह अपराध किए बिना ही क्यों ना आए। व्यक्ति तो परिवार से दूर हो जाता है, बाहर की समाज से दूर हो जाता है, तो कहीं न कहीं विचित्रता में हो जाता है। हम उनके साथ संवाद करके उनके साथ आत्मीय संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं, उनको परिवार से उनके कनेक्ट कर रहे हैं। ये प्रयास हमारा है और इसमें हम मेरा अपना मानना है कि जिन जेलों में संवाद हुआ है उसमें कैदियों की सोच में परिवर्तन आया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।